नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर के बेस्ट 85 क्वेश्चंस में। और पहले चार भागों में कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन उसमें एक या दो क्वेश्चंस जो गड़बड़ थे, जो करेक्ट नहीं थे, उनको इसमें करेक्ट कर दिया गया है। तो अब आपके लिए ये पर्याप्त है सीरीज 85 क्वेश्चंस, इनको आप तैयार कर लीजिए। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, WWW के प्रवर्तक टिम बर्नर्स-ली थे, कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। कीबोर्ड और माउस उदाहरण है इनपुट डिवाइस के। मॉनिटर और प्रिंटर उदाहरण है आउटपुट डिवाइस के। आईसी किस धातु की बनी होती है? सिलिकॉन की। किसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? OMR को। असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है? असेंबलर। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .txt। माइक्रो इंटरनेट एक्सप्लोरर उदाहरण है, ये वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ये पिछले पार्ट में इनकरेक्ट था, तो इसको आप लोग सही कर लेना। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। आईसी का विकास जेएस किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास जेएस किल्बी ने किया था। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है, BUG, बग कहा जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 8 बिट में 1 बाइट के बराबर होता है। MICR का पूर्ण रूप मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। WWW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब। रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हाइलाइटेड हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको एकदम रटना है अच्छे से। रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी। OMR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रीडर। ALU का पूर्ण रूप एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ATM का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन। CD का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क। डॉस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल। HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। LAN का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क। MAN का पूर्ण रूप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN का पूर्ण रूप वाइड एरिया नेटवर्क। URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB का पूर्ण रूप, क्योंकि अभी लेटेस्ट में चल रहा है USB, तो USB का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस। OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। BCR का पूर्ण रूप बार कोड रीडर। FTP का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वायरस का पूर्ण रूप विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। LCD का पूर्ण रूप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हाल ही में चर्चा में रहा रैंसम वेयर, अभी कुछ दिन पहले रैंसम वेयर काफी चर्चित रहा था नाम, तो ये क्या था? ये एक प्रकार का वायरस था। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस इंजलबर्ट ने। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? वायरलेस, WIRELESS, FIDELITY, फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। बैंकों में चेक रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? MICR का। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? 1024 किलोबाइट। असेंबली लैंग्वेज क्या है? यह एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? सीडैक द्वारा। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी संख्याएं प्रयोग की जाती हैं? दो। कौन कौन सी? 0 और 1। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली में। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। भारत में सर्वप्रथम प्रकट होने वाले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? सी ब्रेन। इंटरनेट का जनक कौन है? विंट जी सर्फ। SMS का पूर्ण रूप शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। लाइनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? पुणे में।
जब इंटरनेट का प्रयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? ईमेल कहलाती है। वे युक्तियां जिससे हम कागज पर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं क्या कहलाती हैं? हार्ड कॉपी। ऐसी युक्तियां जिनसे हम अस्थाई रूप में आउटपुट को प्राप्त कर सकते हैं ये क्या कहलाती हैं? सॉफ्ट कॉपी। ऐसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना और उसे काम करने लायक बनाए रखना है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में टेलीविजन जैसे दिखने वाले भाग को क्या कहा जाता है? मॉनिटर। ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ढूंढना है। शायद माइक्रोफोन हो सकता है, शायद इसको आप देख लेना। ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करता है कौन? कंपाइलर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस शॉर्टकट का प्रयोग कुछ काटने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एक्स, CTRL, कंट्रोल को शॉर्ट में लिखा जाता है और प्लस एक्स। नेक्स्ट है, स्कैनर और डिजिटल कैमरा किसके उदाहरण है? तो स्कैनर और डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। मेमोरी में रखी एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग। साधारण रूप से कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें देखा तथा छुआ जा सकता है क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? मॉडेम, मॉडेम कहलाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस सी किस कार्य का शॉर्टकट है? कॉपी करने का। इसके बाद नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस पी किसका शॉर्टकट है? प्रिंट का। कंट्रोल प्लस ए किसका शॉर्टकट है? सेलेक्ट ऑल का। कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट है सेव करने का। कंट्रोल प्लस एस सेव करने का, कंट्रोल प्लस एस हो गया शॉर्टकट सेव करने का। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बग कहा जाता है। बग आप पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे, बग को। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? तो इसको मापा जाता है बिट्स में। CAD का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को कहा जाता है। कौन सा कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? तो ये क्वांटम कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली ये इम्पॉर्टेंट है, ये स्थित है आपकी बेंगलोर में। ये आप एकदम याद कर लेना, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। और इसके बाद उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने के प्रोग्राम किसकी मदद से होता है? ये कंपाइलर की मदद से होता है। इसके बाद गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था इसका आविष्कार। नेक्स्ट है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का। इसके बाद है, मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। डिजिटल कैमरा एक उदाहरण है इनपुट डिवाइस का। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से। तो ये था आपके 85 क्वेश्चंस का पूरा, एक कह सकते हैं एग्जाम के लिए आपको रिवीजन करने में अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने एक साथ 85 क्वेश्चंस को यहाँ पे एक साथ लिख दिया है। अब
एक क्वेश्चन रह रहा है तो इसको आप चेक कर लेना। आई थिंक माइक्रोफोन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करता है? तो माइक्रोफोन होना चाहिए, फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लेना, शायद मुझे मिला नहीं या फिर मैं लिखना भूल गया हूँ, शायद माइक्रोफोन होता है। तो इस भाग में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि अब आपकी तैयारी थोड़ा सा अच्छे ढंग से चल रही होगी, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अब आपको एक कलेक्शन मिल रहा है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।